चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले इसके भी वर्ड मीनिंग देखिए। हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विथ हर, तो हर क्लासमेट्स का मतलब यहां क्या हो जाएगा, उसके, और मेट्स आपको पता ही है साथी, और क्लासमेट्स हो गया तो कक्षा के साथी। हाउ मतलब कैसे, और बिहेव मतलब व्यवहार करना। तो आप क्या करेंगे कि इस बिहेव को पास्ट में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो व्यवहार करना जब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो व्यवहार किया, ठीक है। हाउ मतलब कैसे, तो कैसे व्यवहार किया आप कौन ने, हर क्लासमेट्स, उसके कक्षा के साथियों ने। तो उसके कक्षा के साथियों ने कैसा व्यवहार किया, विद हर, उसके साथ। उसके साथ का मतलब मिनी के साथ, यानी मिनी के जो कक्षा के साथी थे उन्होंने मिनी के साथ कैसा व्यवहार किया। तो एक बार आंसर के भी वर्ड मीनिंग देखिए। दे ट्रीटेड, दे मतलब उन्होंने। अब देखिए हर क्लासमेट्स बहुवचन हो गया, तो बहुवचन को आप दे भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हर क्लासमेट्स के प्लेस पे हमने दे लिख दिया। बिहेव लिख सकते हैं या ट्रीट भी लिख सकते हैं, आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि दे बिहेव्ड, या आप ये भी लिख सकते हैं कि दे ट्रीटेड हर उससे, यानी उन्होंने उससे व्यवहार किया। अब कैसा व्यवहार किया वो आपको देखना है। एन अनवेलकम गेस्ट, वेलकम गेस्ट किसे कहते हैं, जिसे आपने बुलाया हो आपकी पसंद का, और अनवेलकम गेस्ट क्या होता है, एक बिन बुलाया मेहमान। तो उन्होंने उसके संग कैसा व्यवहार किया, जैसे वो टीम में लेना नहीं चाह रहे थे इसलिए बिना इच्छा के ही वो टीम में आ गई, तो इसलिए वो व्यवहार भी कैसा करेंगे, अनवेलकम गेस्ट। वेलकम का अपोजिट है अनवेलकम। तो दे ट्रीटेड हर, उन्होंने उससे व्यवहार किया एज एन अनवेलकम गेस्ट। और अनवेलकम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, अन आ से, और ये क्या हो गया स्वर, और स्वर से पहले आप क्या लगाते हैं एन, अगर व्यंजन होता तो व्यंजन से पहले ए लगाते। तो आप क्या कर देंगे कि दे ट्रीटेड, उन्होंने व्यवहार किया एज एन अनवेलकम गेस्ट, कि एक अनवेलकम गेस्ट की तरह व्यवहार किया। हु वॉज टू लो, जो बहुत निम्न स्तर की थी, लो का मतलब यहां नीचा, वो नीची भी थी, टू मतलब भी, यानी बहुत ज्यादा नीची थी। काय में नीची थी, इन स्टेटस, स्टेटस कहते हैं आपके जो रहने का स्तर होता है, तो रहन सहन के स्तर से भी वो लो थी, रहन सहन के स्तर से भी वो नीची थी। तो कैसा व्यवहार किया कि एक तो अनवेलकम गेस्ट माना, हु वॉज टू लो, जो बहुत लो थी, काय में लो थी, इन स्टेटस, स्टेटस में, बाई देयर स्टैंडर्ड्स। अब देयर किसके, दे का मतलब क्लासमेट्स के, तो बाई देयर माने उनके, और स्टैंडर्ड माने रहन सहन से, जो उनके रहन सहन के स्तर से बहुत नीची भी थी। तो यहां आपको यह बताना है कि उन्होंने उसके संग कैसा व्यवहार किया, तो आप कह देंगे कि दे ट्रीटेड हर, कि उन्होंने उसके संग व्यवहार किया। अब जैसा व्यवहार किया वो आप समझिए, पहले तो उसको ये माना कि ये अनवेलकम गेस्ट है, ठीक है, तो दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट, एक अनवेलकम गेस्ट की तरह व्यवहार किया, जो लो थी या लो भी थी, तो हु वॉज टू लो, काय में लो थी, इन स्टेटस, जो स्टेटस में लो थी, किससे, बाई देयर स्टैंडर्ड, देयर मतलब उनके, और स्टैंडर्ड माने स्तर, रहने के स्तर से, जो उनके रहने के स्तर से बहुत लो थी। अब पूरा आंसर एक बार फिर देखिए कि हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विद हर, यानी उसके कक्षा के साथियों ने उसके संग कैसा व्यवहार किया, आप क्या कहेंगे, दे
पहले बात को थोड़ा समझिए और सोच के लिखिए। दे ट्रीटेड हर, ट्रीट का ट्रीटेड हो गया कि उन्होंने उसके संग व्यवहार किया एज, क्या मान के व्यवहार किया, एन अनवेलकम गेस्ट, एक अनवेलकम गेस्ट माना। हु वॉज ठूलो, जो बहुत लोभी थी, जो बहुत निम्न स्तर की भी थी, इन स्टेटस, स्टेटस मतलब स्तर में, जो स्टेटस में लो थी, किससे, बाई देयर स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड से। तो बस ये तीन क्वेश्चन है आपके आज के, आपके तीनों क्वेश्चन आज के बहुत इजी थे कि वाई वॉज ममता क्लास ममता से सिलेक्शन इन द स्कूल टीम अ सरप्राइज टू एवरीवन, यानी ममता का सिलेक्शन हर किसी के लिए सरप्राइज क्यों था। तो आप कह देंगे कि ये सरप्राइज था, इट वॉज सरप्राइज फॉर एवरीवन, लिखना चाहे लिख दें, नहीं तो डायरेक्ट वो माना ही जाएगा कि हर किसी के लिए सरप्राइज था बिकॉज क्योंकि। अब इसके दो रीजन थे, पहला रीजन तो ये था कि ममता जिस स्कूल से आई थी वहां बास्केटबॉल का कोर्ट भी नहीं था। तो एक तो ममता हैड कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन स्कूल, कि ममता एक स्मॉल टाउन स्कूल से आई थी, ममता हैड कम, ममता आई थी, बात को जैसे आप कह रहे हैं ठीक वैसे ही ले जाएं, हैड कम, ममता हैड कम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन स्कूल। अब स्कूल को थोड़ा सा क्वालिफाई करें कि कौन से स्कूल से, वेयर देयर वॉज नो बास्केटबॉल कोर्ट, जहां बास्केटबॉल का कोई मैदान भी नहीं था। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता, कोच ने ममता में कौन सी दो क्वालिटी देख करके सिलेक्शन किया। तो वो दो गुण उसने क्या देखे, एक तो उसके पास, जो बास्केटबॉल में मेन काम होता है कि हर पासिस वर गुड, पास का बहुवचन इसलिए वर लगेगा कि ममताज पासिस वर गुड, कि ममता के पास बहुत अच्छे थे, क्लियर। और दूसरा क्या था कि वो फिजिकली फिटर भी थी, फिटर क्यों कह रहे हैं कि अन्य की तुलना में तंदुरुस्त थी, एंड सी वॉज फिजिकली फिटर, और वो फिजिकली फिटर थी काय से, देन एनी अदर गर्ल, अन्य किसी लड़की से। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो ही गया कि हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विद हर, यानी कक्षा के साथियों ने ममता के संग कैसा व्यवहार किया, तो उसे अनवेलकम गेस्ट माना। हु वॉज ठूलो, जो बहुत निम्न स्तर की गेस्ट थी, निम्न स्तर की थी, इन स्टेटस, स्टेटस में, बाई देयर स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड से, क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर। चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉरी फोर। तो इसके एक बार पहले वर्ड मीनिंग लिखिए। व्हाई डिड द गर्ल्स, तो गर्ल्स लड़कियों ने, अब रिफ्यूज मींस होता है मना करना, लेकिन चूंकि डिड लगी है आपके पास तो रिफ्यूज का जब पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मना किया, वाई मिस हो गया क्यों, तो लड़कियों ने क्यों मना किया। अब काय के लिए मना किया वो आगे देखें, टू मेक बनाने से, ममता नाम है तो ममता को, देयर माने अपना, जब भी वाक्य में सब्जेक्ट के प्लेस पे दे होता है तो यहां गर्ल्स बहुवचन हो गया तो दे हो गया, तो अपने के लिए हम देयर लगाते हैं, तो लड़कियों ने क्यों मना किया, रिफ्यूज मना करना ठुकराना, लड़कियों ने क्यों ठुकरा दिया, टू मेक बनाना देयर फ्रेंड, अपना दोस्त, तो लड़कियों ने ममता को अपना दोस्त बनाने से मना क्यों कर दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया, और कहानी के उस पोर्शन पे भी जाया करो जहां से यह क्वेश्चन लिया गया है, यानी क्वेश्चन आपका यह कह रहा है कि वाई डिड द गर्ल्स रिफ्यूज, कि लड़कियों ने क्यों मना कर दिया टू मेक बनाने से ममता को देयर फ्रेंड, अपना दोस्त, तो ममता को अपना दोस्त बनाने से लड़कियों ने क्यों मना कर दिया। आंसर के वर्ड मीनिंग पहले देखिए, अब गर्ल्स को हमने दे कर लिया कि दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, टू मेक बनाने से ममता को एज देयर फ्रेंड, अपना दोस्त, क्यों मना कर दिया। क्वेश्चन में जब वाई होता है तो उत्तर में आप क्या करेंगे, बिकॉज लगाएंगे, तो आपने बताया बिकॉज क्योंकि, अब यहां से आपका आंसर होगा, तो पहली चीज उन्होंने दोस्त क्यों नहीं बनाया, क्योंकि छोटे से कस्बे के स्कूल से आई थी,
ममता एक छोटे से कस्बे की लड़की थी और वो सब लोग जो थे वो बड़े शहर के थे। तो बिकॉज क्योंकि ममता हैड कम, ममता आई थी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, स्मॉल मतलब छोटे से और टाउन मतलब कस्बे से। तो एक तो दोस्त इसलिए नहीं बनाया था कि वो छोटे से कस्बे से आई थी, और उसके बाद भी जो दूसरा रीजन था एंड पुअर फैमिली, ये बड़ा रीजन था कि वो जो लड़कियां थी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली थी, इसलिए सब रिच फैमिली से थी। और ममता कहां से आई थी? ममता एक पुअर फैमिली से आई थी। तो ममता को उन्होंने अपना दोस्त बनाने से क्यों मना कर दिया? पहले आप क्वेश्चन से लिख लेंगे कि दे रिफ्यूज्ड टू मेक ममता एज देयर फ्रेंड, यानी उन्होंने ममता को एक दोस्त बनाने से मना कर दिया। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि ममता आई थी, ममता हैड कम या सी हैड कम, ममता लड़की या लड़की को आप सी भी लिख सकते हैं। तो बिकॉज सी हैड कम, क्योंकि वो आई थी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे से। एंड और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि पुअर फैमिली से आई थी। तो एक तो वो स्मॉल टाउन से आई थी एंड पुअर फैमिली से आई थी, इस वजह से उन्होंने ममता को अपना दोस्त बनाने से मना कर दिया। तो मेरे ख्याल से बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द गर्ल्स रिफ्यूज, कि लड़कियों ने क्यों मना कर दिया टू मेक बनाने से ममता को देयर फ्रेंड? तो आप कहेंगे कि दे रिफ्यूज्ड टू मेक ममता, उन्होंने मना कर दिया टू मेक ममता, ममता को बनाने से एज देयर फ्रेंड, अपना दोस्त। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि सी हैड कम, वो आई थी, कहां से आई थी? फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे से, एंड पुअर फैमिली, और गरीब परिवार से। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द चैलेंज? चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। बिफोर मतलब के सामने, और ममता नाम है, कि व्हाट वाज द चैलेंज, चैलेंज क्या था, चुनौती क्या थी? बिफोर ममता, ममता के सामने, यानी ममता के सामने क्या चुनौती थी आपको यह बताना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि व्हाट वाज द चैलेंज, चुनौती क्या थी बिफोर ममता, ममता के सामने। अब कहानी के उस पार्ट पे भी जाइए जहां से यह क्वेश्चन है, कि जो कोच थे, तो कोच ने ममता को सिलेक्ट कर लिया था और ममता पे भरोसा जताया था। तो उसी दिन से ममता के सामने एक चुनौती आ गई कि वो बास्केटबॉल खेलना नहीं जानती, लेकिन अब उसे अपने आप को सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता, कि ममता के सामने चैलेंज क्या था? आप कहेंगे कि इट वाज द चैलेंज, कि ये एक चुनौती थी बिफोर ममता, ममता के सामने। अब हम चैलेंज को आगे लिख देंगे, क्या चुनौती थी? टू प्रूव हरसेल्फ, प्रूव मतलब सिद्ध करना, हरसेल्फ मतलब खुद को, ए गुड बास्केटबॉल प्लेयर। तो क्वेश्चन आपका कहां से है पहले वो सोचिए, आंसर आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता, ममता के सामने चुनौती क्या थी? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सोचिए कहां का है। क्वेश्चन आपका उस जगह से लिया गया है कि जब कोच ने ममता को सिलेक्ट कर लिया और उसने सभा और रीमा को डांटा था कि क्या तुम्हें इसके पास दिखाई नहीं देते, यानी किसी भी तरीके से कोच ने ममता का फेवर किया था। तो अब ममता के सामने एक चुनौती आ गई, वो चुनौती क्या बन गई कि अब मुझे अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेल लूं। तो व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता, आप कहेंगे कि इट वाज अ चैलेंज बिफोर ममता, कि ये चुनौती थी ममता के सामने। और जो चुनौती होती है उसे हम क्या करेंगे, टू लगा के लिख देंगे। तो टू प्रूव, चुनौती क्या होगी अब उसके सामने, के प्रूव करे, सिद्ध करे हरसेल्फ अपने आप को। स्वयं के लिए अगर आप लगाते हैं, जैसे दे होता है तो देम सेल्फ लगा देते हैं, वी होता है तो अवर सेल्फ लगा देते हैं, सी होता है तो हर सेल्फ लगा देते हैं, समझ में आएगा नहीं? तो सेल्फ लगा करके क्या करते हैं, उसे स्वयं बनाते हैं। तो टू प्रूव हर सेल्फ, अपने आप को सिद्ध करे, क्या सिद्ध करे, ए गुड बास्केटबॉल प्लेयर।
तो अपने आप को गुड बास्केटबॉल प्लेयर सिद्ध करना, इट वॉज अ चैलेंज बिफोर ममता, ये ममता के सामने चुनौती थी। क्लियर?